Welcome to our English class. Today we are going to read a new lesson. Lemon, I'm going to read a new lesson. What is it? Samaste, tumhane tumaro English boy ro page number 52, our lesson number 15. Samaste parilo. Thik achi. Amara aaj ro topic hela is this or is that? With the answer no. Dhanya jo mu tumko de pachali. एटा कौन देखु पे देखल एटा कौन इज दिस ए जॉब तुम्हें आंसर कौन दबो यस दिस इज ए जॉब धन्य जो तुम पचारी इज दैट ए डॉग इज दैट ए डॉग सेटा जदि कुकुर नु तुम्हें तले उत्तर कौन दबो नो दैट इज नॉट ए डॉग धन्य जो सेट गोटे सांप दैट इज ए स्नेक ठीक अच्छे लेसन नंबर 15 एवं पेज नंबर 52 टॉपिक आमर इज दिस और इज दैट विथ आंसर नो विथ आंसर नो लुक एट द पिक्चर्स एंड सी आंसर्स एज शोन फर्स्ट आई विल रीड द लेसन एंड यू विल लिसन ओके Is that a dog? No, that is not a dog. Is this a cow? No, this is not a cow. Is that a hen? No, that is not a hen. Is this a parrot? No, this is not a parrot. Is that an umbrella? No, that is not an umbrella. Is this a chair? No, this is not a chair. Is that a book? No, that is not a book. That is not a book. Now, I am going to read the reading. I am going to read the reading. Is that a dog? No, that is not a dog. Is that a dog? दग अर्थ तुम्हें भूल भार जाच कूकर दैट अर्थ ताइट जदि मुझ पूर्व कही कौन सी गोटे जिनस पाखे थे आम से दिश व्यवहार करता कौन सी गोटे जिनस दूर थे आम से दैट व्यवहार करें पूर्व लेसन पढ़चे ठीक अच्छे इज दैट ए डग से गोटे कूकर कि नो दैट इज नॉट ए डग ना से गोटे कूकर नहीं पे पिक्चर टू नजर कल ये कूकर यहाँ कौन चित्र कौ पिक्चर ये गोटे सुअर पिक्चर नाई ठीक अच्छे तापर कौन अच्छी इज दिस ए काउ नो दिस इज नॉट ए काउ ये गोटे गाई कि ना ये गोटे गाई नुह पे ये पिक्चर टी आम पाखे अच्छे ना दूर अच्छी पाखे अच्छे से दिस यूज अच्छी ये पिक्चर टा दूर अच्छे से ठीक अच्छे पे देख लो ये जो पिक्चर टा देखु ये गोटे गाई पिक्चर ना ये क्या पिक्चर गोटे सापर पिक्चर साप को इंग्लीश कौन कहती स्ने साप को कहती स्ने गोटे स्नेक नेक्स्ट इज दैट ए हेन नो दैट इज नॉट ए हेन से गोटे कुकुड़ा कि ना से गोटे कुकुड़ा नहीं मैंने देख ल जो दूर चित्रटा देखो पचार इज दैट ए हेन से गोटे कुकुड़ा कि कुकुड़ा चित्र ना ये कौ चित्र गोटे घोड़ार चित्र गोटे घोड़ा दैट इज ए हॉर्स दैट इज नॉट ए हेन नेक्स्ट इज दिस ए पैरट नो दिस इज नॉट ए पैरट मैंने पाखे जो पिक्चर टी देखो ये गोटे पैरट पिक्चर नो दिस इज ए टाइगर दिस इज ए टाइगर ये गोटे सुअर हुए ये गोटे कौन बाघ नेक्स्ट इज दैट एन अम्ब्रेला नो दैट इज नॉट ए अम्ब्रेला पे ये जो पिक्चर टी तुम कौन बहि देखु यहाँ कौ पिक्चर साइकिल तुम्हें सब सैकेल जो स्कूल आस नहीं गोटे सैकेल पिक्चर तुम पचार अम्ब्रेला से गोटे छता कि छता ना से गोटे छता नुहे से कौन दैट इज ए बाइसाइकिल दैट इज ए बाइसाइकिल नेक्स्ट पिक्चर इज दिस ए चेयर नो दिस इज नॉट ए चेयर मैंने
पिक्चरटे नजर कल दीदी से चेयर ये गोटे चौकी कि नो दिस इज नॉट ए चेयर ना ये गोटे चौकी ने पाला कौ पिक्चर कह दिस इज ए ग्लास ग्लास कौन करूँ तरल पानी जिनस पी था धान्य जो मिल्क व्टर हाँ ना ना ठीक अच्छे कल इजी दे टेबू से गोटे बही कि पे जो पिक्चर देखो बही पिक्चर नो दैट इज नॉट ए बुक ना से गोटे बही नुहे जो बही नुहे से कौ पिक्चर कौन कह पे कौ पिक्चर दैट इज ए शू से गोटे कौन जोतार ठीक अच्छे पे बर्तमान तुम्हें तो लेसन नंबर 15 रीडिंग कल और न्यू वर्ड गुड़िकर अर्थ बुझीपाल से सेंटेन्स गुड़िकर अर्थ मैंने भल भाव निश्चित बुझीपार हाँ ना नहीं तापर तुम्हें कौन कर तुम लेसन नंबर 16 समस्त पेज नंबर 53 और लेसन नंबर 16 समस्त बर्तमान मो सहित बुक टी रीडिंग कर ठीक अच्छे समस्त बुक टी खोल और मो सहित बुक रीडिंग कर ठीक अच्छे लेसन नंबर 16 कौन अच्छी इज ही आर इज सी आर दे विथ आंसर यस विथ आंसर यस आम आउ गोटे लेसन पढ़ा पे हि अर्थ तुम्हें पूर्व जान हि अर्थ कौन से सी अर्थ से आम मत भल भाव जानी आम पुलिंग हि व्यवहार करता स्त्रीलिंग सी व्यवहार करता मन ना हाँ आम पूर्व लेसन पढ़ी दे अर्थ भी आम जानचे दे अर्थ कौन से आस अर्थ जानचे पूर्व एस अर्थ कौन हाँ आम आज आउ गोटे लेसन पढ़ा कौन इज हि इज सी आर दे आंसर ये समस्ते पेज नंबर 53 और लेसन नंबर 16 वही कर ठीक अच्छे फर्स्ट टाइम रीड दि लेसन एंड यू विल लिसन इज सी योर मदर यस इज माय मदर इज योर फादर यस ही इज माय फादर इज सी योर फ्रेंड यस सी इज माय फ्रेंड इज सी ए डांसर Yes, she is a dancer. Is she a singer? Yes, she is a singer. Are they your classmates? Yes, they are my classmates. Are they your villagers? Yes, they are my villagers. Are they your co-workers? Yes, they are my co-workers. पे लेसन टी आउ थे रिडिंग कर सहित रिडिंग कर ठीक अच्छे समस्त बही कर ठीक अच्छे लुक एट दि पिक्चर्स एंड सी आंसर्स एज शोन समस्ते बुक पिक्चर गुड़क आम कौन करवा नजर करवा देखा एवं से अनुसार उत्तर दि जा ठीक अच्छे इज सी योर मदर से तुम माँ अटंती कि पिक्चर टी नजर कर ये सी इज माय मदर हाँ से मोर माँ अटंती देखु ये माँ को चित्र देना ना माँ को पिक्चर अच्छे सी कहीं लगे जेहेतु माँ ए स्त्रीलिंग सी अर्थ से तेणु माँ सी लगे ठीक अच्छे इज ही योर फादर से तुम बापा अटंती कि ये इज माय फादर हाँ से मोर बापा अटंती फादर को पिक्चर अच्छे ना नहीं फादर को पिक्चर अच्छे हाँ से मोर बापा अटंती इज सी योर फ्रेंड यस सी इज माय फ्रेंड मैंने फ्रेंड अर्थ कौन तुम सब स्कूल पाठ पढ़ चो तुम बहुत गुडिये फ्रेंड अच्छे हाँ ना नहीं बहुत गुडिये फ्रेंड अच्छे फ्रेंड अर्थ कौन सांग फ्रेंड अर्थ कौन सांग मोर बहुत गुडिये सांग अच्छा हाँ सी इज माय फ्रेंड हाँ से हो सा इज सी डांसर पूर्व लेसन पढ़ी डांसर अर्थ कौन नृत्यकार कहीपर नर्तक भी कहीपर जे नाच करे आम कौन करवा नृत्यकार नर्तक इज सी ए डांसर
Yes, she is a dancer. She is a nartaki atanti ki. Dekhila ei picture tu. Yes, she is a dancer. Ha, she jane nartaki atanti. Next, is he a singer? Yes, he is a singer. She jane gayak atanti ki. Dekhila se kichi gauchanti na nahi? Kichi gauchanti. Yes, he is a singer. Ha, she jane gayak atanti. Next, are they your classmates? क्लासमेट अर्थ पे जान तुम मानते तुम गोटे श्रेणी में तुम सागर जी पाठ पढ़ुंस सी हूँ तुम सहपाठी क्लासमेट अर्थ कौन सहपाठी आदि क्लासमेट से तुम सहपाठी अटंती कि दे आर माय क्लासमेट्स से हाँ से मोर सहपाठी अटंती नेक्स्ट आर दे योर विलेजर्स सेमाने तुमर ग्रामवासी अटंती कि विलेजर अर्थ कौन ग्रामवासी यस दे आर माय विलेजर्स हाँ से माने मोर ग्रामवासी अटंती आर दे योर कोवर्कर्स यस दे आर माय कोवर्कर्स पे कोवर्कर अर्थ कौन जान सहकर्मी कोवर्कर अर्थ कौन सहकर्मी तुम सागर जेको कम करता है तुम सहकर्मी आर दे योर कोवर्कर्स से तुम सहकर्मी अटंती कि दे आर माय कोवर्कर्स हाँ से मोर सहकर्मी अटंती पे तो तुम इंग्लिश बहर लेसन नंबर 15 एवं लेसन नंबर 16 दुटा भल भाव रिडिंग कली से न्यू वर्ड फुल मिली भल भाव बुझीपाली सेंटेंस बुझे अच्छा जो न्यू वर्ड गुड़ मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें लिखी तुम सब निज निज नोट खाते बाहर कर से सब न्यू वर्ड गुड़ मीनिंग तुम निज निज नोट खाते लिख ठीक अच्छे कौन अच्छी लेसन नंबर 15 और 16 तुम न्यू वर्ड गुड़ मीनिंग बर्तमान ब्लैक बोर्ड में लिखी तुम निज नोट खाते बाहर कर लिखी पढ़ी जाओ नेक्स्ट अम्ब्रेला अम्ब्रेला कौन छत्ता छत्ता को हमें खरा हो वर्षा हो व्यवहार करते खरा के व्यवहार करते हैं वर्षा के व्यवहार करते हैं हेन हेन कौन कुकुड़ा नेक्स्ट काउ काउ तो गाय नेक्स्ट इज दिस दिस शब्द हमें कुकुड़ा के लिए है इज दिस शब्द कौन एला बागेटी पट्टे की नेक्स्ट इज दैट निश्चय बुझीपार्थ मैंने न्यू वर्ड गुड़ मीनिंग बर्तमान।
তারপরে যদি তুমি সেসব নোটকে তাহলে কিনল পিলে মানে আমি তো দুইটি লেসন পড়িলি আও কে লেসন তুমি ভালোভাবে করে চারি পাঁচ থর রিডিং করিব সেটা তোমার নিউ ওয়ার্ড গুলো মিনি বারবার লিখি প্র্যাকটিস কর। আচ্ছা পিলে মানে তোমার কোন মতন কিছু সিট হবে তুমি তো বুক রিডিং করল এবং সেতে দিবা সেন্টেন্স গুলোর অর্থ বুঝি বর্তমানে তোমার কিছু প্রশ্ন বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দিলা পরে মু ব্ল্যাক করে সিলেক্ট করি একার প্রশ্ন হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ ইজ আ আর আমার শূন্য স্থান উত্তর দিবে কোন ব্যবহার করি ইজ আ আর দ্যাট হি ইওর টিচার লেখলে এটি কি হচ্ছে কি পারে আমি কোন ইউজ করব ইজ আ আর আমার টপিক কোন দিলা এ যে টপিক কি আমি পড়ি ইজ হি ইজ তেনু কি পাখের আমি কোন ইউজ করব ইজ ইজ ইওর টিচার সেটা শিক্ষক বা সিলেট অটেন্ডি সে তোমার শিক্ষক অটেন্ডি কি সরি সে তোমার শিক্ষক অটেন্ডি কি মানে হি হচ্ছে কি আমি ভুল করে ব্যবহার করছি ইজ ইওর টিচার সে তোমার শিক্ষক অটেন্ডি কি দে ড্যাশ ডামি দে পাখের আমি কোন ইউজ করব আর দে দে আর ডামি দে আর রানিং সেমানে দৌড়ছি রানিং করতে কোন দৌড়িব নেক্সট আই ডাস এ স্টুডেন্ট আই এম কোন ইউজ করব পূর্বে আমি পড়তে পূর্ব লেসনে আই এম এ স্টুডেন্ট আম আই এম এ স্টুডেন্ট নেক্সট ডাস সি এ নার্স আই এম পি জি ই লিখব না এটা পি সি মধ্য লিখব না ইজ সি এ নার্স সে জনে সেবিকা অটেছি কি ইজ সি এ নার্স তোর প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাথ বিকল আমি কলমকে বা স্তম্ভ মিলন করবা আমি যেমন মাতৃভাষার পরে স্তম্ভ মিলন সেমি বিজ্ঞান মধ্যে স্তম্ভ মিলন করে সামাজিক মধ্যে স্তম্ভ মিলন করে আমি ইংলিশ লিখে ম্যাথ বিকল অর্থাৎ স্তম্ভ মিলন করবা কলম এ হচ্ছে আই দে হি আর কলম বি হচ্ছে ইজ আ আর লেখনে আই দেখানে কোন ইউজ করব আই অ্যাম নেক্সট দে অ্যাম আর হি পাখানে কোন ইউজ করব হি ইজ হি পাখানে কোন ইউজ করব ইজ সি পাখানে মধ্যে ইজ ইউজ করব আর হি পাখানে মধ্যে আর ইউজ করব আর ইউ পাখানে মধ্যে আমি আর ইউজ করব পূর্ব লেসনে আমি পড়ছি পিলামানে जो लेसन नंबर 15 आउ लेसन नंबर 16 आज तुम रीडिंग कले तुम ये लेसन को भल भाव रीडिंग करो से डिफिकल्ट वर्ड गुड मिनिंग बार बार लिखे अभ्यास कर सब प्रश्न गुड़ उत्तर तुम परीक्षा आस ठीक अच्छे ना माइ क्लास इज ओवर आई मीट यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू।